हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो इस वीडियो में आज हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। आइए सॉल्व करते हैं। सो ग्रिगनार्ड रिएजेंट, the general formula of this Grignard reagent is RmgX। यहाँ पे R के ऊपर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव एंड दिस नेगेटिव। यहाँ पे अगर हम देखें इस एल्काइल ग्रुप में नेगेटिव चार्ज की वजह से ये Grignard reagent बेस की तरह भी काम कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है। जब ये बेस की तरह काम करेगा तो इट विल अब्स्ट्रैक्ट एसिडिक प्रोटॉन, एंड जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो इट विल अटैक एट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये जो अपने को रिएक्शन गिवन है, this is 46 number question, this is CO and OC2H5, और इसका जो रिएक्शन है यहाँ पे Grignard reagent के 3 मोल के साथ किया जा रहा है। आइए बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये जो कार्बोनिल कार्बन है, दिस इज 10 प्लस एंड दिस इज 10 माइनस, तो यहाँ पे हम Grignard reagent की इलेक्ट्रोफिलिक Grignard reagent की न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टीज की हेल्प लेंगे। न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टीज की हेल्प लेंगे। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, ये Grignard reagent यहाँ पे अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड आगे मूव करेगा, पाई बॉन्ड वापिस से फिर से आएगा एंड OC2H5 ग्रुप यहाँ से लीव कर जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम एक और नाम भी देते हैं, दिस इज एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप में एडिशन हो रहा है, सेकेंड स्टेप में एलिमिनेशन हो रहा है। तो टू स्टेप हमने एक साथ ही यहाँ पे कर दिए हैं, तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे सी डबल बॉन्ड हो CH3 एंड दिस इज ओ C2H5। सेकेंड स्टेप में क्या करने वाले हम, यहाँ पे फिर से Grignard reagent यहाँ पे अटैक करेगा, फिर से Grignard reagent यहाँ पे अटैक करने वाला है पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। ये Grignard reagent यहाँ पे अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड आगे मूव करेगा, फिर से वापस आएगा और ये ग्रुप यहाँ से लीव कर जाएगा। तो एक और C2H5 ग्रुप यहाँ पे लीव कर गया और फाइनली हमारे पास यहाँ पे क्या बन चुका है, एसीटोन। क्या बन चुका है हमारे पास यहाँ पे, एसीटोन। अब अभी तक हमने Grignard के कितने रिएजेंट यूज कर दिए हैं, यहाँ पे कितने मोल यूज कर दिए हैं, 1 मोल यहाँ पे, 1 मोल यहाँ पे। नेक्स्ट केस में अपने को कितने टोटल मोल यहाँ पे यूज करने हैं, 3। आइए देखते हैं, CH3 CO CH3 यहाँ पे फर्दर ये जो कीटोन बना इसको हम फिर से Grignard reagent के साथ रिएक्ट करेंगे। अब यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप है नहीं, तो यहाँ पे कोई ग्रुप लीव नहीं करेगा, तो फाइनली क्या बनेगा अपने पास, यहाँ पे CH3 CO CH3
CH3 एंड दिस इज MgBr दिस वन। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जा रहा है? हाइड्रोलिसिस। तो लास्ट स्टेप इज द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। तो हाइड्रोलिसिस जब हम यहाँ पे करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, तो ये बन जाएगा अपने पास CH3 COH CH3 CH3। तो हमारे पास जो यहाँ पे एल्कोहल बन जाएगा, दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल या 3° एल्कोहल। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन को मैच करें तो विच इज आवर करेक्ट ऑप्शन हियर, दिस इज दिस वन बी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यस, तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे आइए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक साइक्लिक रिंग गिवन है, और इसका रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ किया जा रहा है। ये आपके पास डेल प्लस, ये आपके पास डेल माइनस, तो इस तरह से यहाँ पे रिएक्शन होगी और हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे ये बन जाएगा यहाँ पे O नेगेटिव, दिस इज CH3 एंड दिस इज MgBr। फिर क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, यहाँ पे हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं साथ में। तो जैसे हम यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो हाइड्रोलिसिस करने पर हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे एल्कोहल। तो ये हमारे पास बन गया यहाँ पे, व्हाट इज डिग्री ऑफ दिस एल्कोहल? 3° एल्कोहल। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 3° एल्कोहल है, इसका रिएक्शन हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये बन गया हमारे पास ए, इस प्रोडक्ट का नाम हमने रख दिया ए। ए का रिएक्शन किसके साथ किया जा रहा है? HBr के साथ। ए का रिएक्शन किसके साथ किया जा रहा है यहाँ पे? HBr के साथ। तो ए का रिएक्शन यहाँ पे HBr के साथ किया जा रहा है। तो पहले यहाँ पे इस एल्कोहल का प्रोटोनेशन होगा, ये OH ग्रुप यहाँ से लीव कर जाएगा, और सेकेंड स्टेप में यहाँ पे Br का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होने वाला है। पहले यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इस कार्बोकेटाइन के प्रोड्यूस होने के बाद यहाँ पे जो Br यहाँ पे लीव करा था, ये Br यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, और हमारे पास जो B प्रोडक्ट बनेगा दिस वन, तो दिस इज अवर बी, ठीक है। बी का रिएक्शन किया जा रहा है किसके साथ? एमजी इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। ये जो बी कंपाउंड बना, इसका रिएक्शन किया जा रहा है यहां पे मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो क्या हो जाएगा, ये मैग्नीशियम इंसर्ट हो जाएगा इस ब्रोमीन और कार्बन के बीच में, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा MgBr और यहाँ पे CH3, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप दिस इज सी। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। इसका रिएक्शन कराया जा रहा है यहाँ पे किसके साथ कराया जा रहा है? फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। इसका रिएक्शन कराया जा रहा है यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ।
दिस इज नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर माइग्रेट कर जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा क्या CH2 O नेगेटिव और ये MgBr और यहाँ पे आ गया अपने पास CH3। फिर हम क्या कर रहे हैं सेकेंड स्टेप में, इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये जो ग्रुप है ओ एम जी वी आर ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा किसमें अल्कोहल ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन मैच करें तो अवर फाइनल प्रोडक्ट डी इज दिस वन, करेक्ट आंसर इज ए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एनहाइड्राइड टाइप का एक कंपाउंड गिवन है, आइए बात करते हैं इसमें, इसको 2 मोल ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ अपने को रिएक्ट करना है, तो आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। दिस इज सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी टू एच फाइव, दिस इज ओ सी टू एच फाइव, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ग्रिगनार्ड रिएजेंट का अटैक होगा और कितने मोल गिवन है अपने को ग्रिगनार्ड रिएजेंट के यहाँ पे 2, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये आगे मूव करेगा, ये फिर से वापस आएगा, वो C2H5 ग्रुप जो है यहाँ से लीव कर जाएगा और हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे क्या बन जाएगा यहाँ पे दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ CH3 एंड दिस इज ओ C2H5। अभी हमने कितना मोल ग्रिगनार्ड रिएजेंट यूज किया 1। इसका रिएक्शन फिर से कराते हैं, दिस इज CH3 सी डबल बॉन्ड ओ C2H5, इसका रिएक्शन फिर से ग्रिगनार्ड रिएजेंट 1 मोल के साथ कराते हैं क्योंकि अपने को रिएक्शन में 2 मोल गिवन है ग्रिगनार्ड रिएजेंट के, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड आगे मूव कर जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, वापिस आएगा क्योंकि वो CH2 5 ग्रुप यहाँ पे लीव कर जाएगा, तो यहाँ पे अनदर मोल ऑफ वो C2H5 यहाँ पे लीव करेगा, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास यहाँ पे CH3 CO CH3। सो दिस इज अवर कंपाउंड ए। तो आपसे बोल रहा है प्रोडक्ट ए फॉर्म कैन गिव आइडो फॉर्म टेस्ट, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं इस एसीटोन का रिएक्शन I2 प्लस NaOH के साथ कर दूं तो ये कंपाउंड बिल्कुल आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए आपको क्या देखना है, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास CH3CO ग्रुप होता है वो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे, तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे बनेगा आपके पास CHI3 प्लस CH3CONa, ठीक है, सॉल्ट ऑफ एसिड, ठीक है। तो ये अपने पास क्या बन गया यहाँ पे आइडोफॉर्म, येलो कलर के यहाँ पे प्रेसिटेट बनते हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेकंड क्या बोल रहा है, फर्दर रिएक्ट विद CH3MgBrSO2 गिव टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, आइए देखते हैं। अगर हमारे पास ये जो यहाँ पे बना था CH3CO CH3, अगर हम इसको फिर से रिएक्ट करते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट के 1 और मोल के साथ और फर्दर उसका हाइड्रोलिसिस भी करा देते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा दिस टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, बिल्कुल टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनेगा, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। दिस ए कैन बी ऑब्टेन बाय ओजोनोलिसिस ऑफ 2,3-dimethyl-2-butene, आइए देखते हैं चेक करते हैं 2,3-dimethyl-butene सी, पहले 4 कार्बन बना देते हैं, 2 और 3 के ऊपर डाइमिथाइल लगा दीजिए, मतलब मिथाइल ग्रुप अटैच कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। इसका अगर हम ओजोनोलिसिस करते हैं, तो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा,
तो यहाँ पे अपने को क्या मिल जाएगा, 2 मोल ऑफ CH3CO CH3, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है, अपने को यही तो मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी अपने को क्या मिल रहा है, यही मिल रहा है, तो सी ऑप्शन भी करेक्ट है। इसका मतलब ABC ऑल आर करेक्ट, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे से क्या गिवन है यहाँ पे, आइए देखते हैं। एल्काइल हैलाइड दैट इज RCl रिएक्ट विद मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर। तो यहां पे क्या बन जाएगा, ये मैग्नीशियम जो है इट इज इंसर्ट बिटवीन इंसर्शन रिएक्शन, मैग्नीशियम विल इंसर्ट बिटवीन दिस आर एंड सी एल ग्रुप, और यहां पे जो हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा दैट इज एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक। यहाँ पे क्लोरीन नहीं गिवन है, यहाँ पे एक्चुअल में आपको क्या लेना है, दिस इज एक्स, ठीक है। हैलाइड की बात करिए, क्लोराइड की बात नहीं करिए, तो इसको क्या ले लीजिए, एक्स ले लीजिए। तो क्या बन गया हमारे पास, RMgX, ठीक है, दैट इज ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 में क्या बोल रहा है हमारे से, व्हेन फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, आइए बात कर लेते हैं। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो दिस इज फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इस फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन यहां पे किसके साथ किया जा रहा है, टर्शरी टर्शरी ब्यूटोनियोल के साथ, ठीक है। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, यहाँ पे दिस इज नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे ये आपका कौन सा रिएक्शन होने वाला है, दिस इज एसिड बेस रिएक्शन। ग्रिगनार्ड रिएजेंट यहाँ पे किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह। तो ये अगर बेस की तरह काम करेगा तो ये जाएगा इस प्रोटोन को यहाँ से खा जाएगा, और जैसे इस प्रोटोन को खा जाएगा तो आपके पास जो मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, मेन प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे, दैट इज बेंजीन, ठीक है। प्लस जो बाई प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा अपने पास, ये जो बाई प्रोडक्ट अपने पास यहाँ पे बन जाएगा, दिस इज ओ एम जी बी आर, तो ये हमारा यहाँ पे बाई प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन मैच करें दैट इज ए। सो आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दिस इज फॉजिन गैस कार्बोनिल क्लोराइड CO Cl Cl, दिस इज फॉजिन गैस। इस फॉजिन गैस का रिएक्शन किया जा रहा है यहाँ पे फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, एक्सेस में किया जा रहा है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में ये जाएगा यहाँ पे अटैक करेगा, ये ग्रुप आगे मूव करेगा, फिर से वापस आएगा, ये Cl यहाँ से लीव कर जाएगा, ठीक है। कितने मोल के बने अपने को इसके, 3 मोल यहाँ पे, फिर से अटैक होगा यहाँ पे, जैसे ही अटैक होगा ये Cl यहाँ पे लीव करेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 2 मोल यूज करें तो 2 मोल यूज करने से अपने पास क्या बन गया, PHCOPH, ठीक है, बेंजोफिनोल। अभी हमने 1 मोल और बचा हुआ है, 1 मोल और बचा हुआ है अभी। तो अगर हम नेक्स्ट जो एक लास्ट मोल है इसका फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का, उसका भी अगर हमें यहाँ पे यूज कर दें तो क्या प्रोडक्ट बनता है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा अपने पास, दिस इज PHCO
MgVr, this is pH and pH. क्या कर रहे हैं? हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं. हाइड्रोलिसिस कर दीजिए HOH, इसको यहां से काट के रख दीजिए तो आपके पास क्या बन जाएगा, pH COH pH एंड pH, तो हमारे पास क्या बन गया 3 डिग्री. ठीक है, तो हमारे पास बन गया यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल. तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन मैच करें तो विच इज अवर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. यस, जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं 53 नंबर क्वेश्चन. यहाँ पे अपने को साइक्लिक ईथर गिवन है, इपोक्साइड गिवन है, और यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है कहां से, किसके साथ, CH3MgBr के साथ. देखिए आपका जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ बेस की तरह भी काम करता है, तो अगर मीडियम बेसिक हो तो यहां पे हम नोट बना के लिखेंगे पहले इस पॉइंट को, इन बेसिक मीडियम अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक्स टेक्स प्लेस एट लेस हिंड्रेड साइट. ठीक है, उस साइट से अटैक होगा जहां पे ज्यादा हिंड्रेंस नहीं है. और अगर हम बात करें इन एसिडिक मीडियम अटैक टेक्स प्लेस फ्रॉम मोर हिंड्रेड साइट. ठीक है, तो आइए बात करते हैं यहां पे. ये हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अगर हम बात करें यहाँ पे ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रिन नेगेटिव, तो यहाँ पे डेल माइनस, यहाँ पे डेल प्लस, यहाँ पे आपके पास डेल प्लस, तो ये हमारा मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड है, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड है. तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जाएगा अटैक करेगा लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा इधर वो, और इसके साथ एक कार्बन यहाँ पे जुड़ जाएगा, दिस इज MgBr. नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जा रहा है, इसका हाइड्रोलिसिस. नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या किया जा रहा है, हाइड्रोलिसिस. तो जैसे ही यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होता है तो हमारे पास क्या बन जाएगा इधर, दिस एल्कोहल. व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस एल्कोहल, 1, 2, 3, दिस इज 3 डिग्री एल्कोहल. ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है कि ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ये न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ बेस की तरह भी काम करता है, तो जब मीडियम बेसिक हो तो जो इपोक्साइड के ऊपर अटैक होगा वो लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से होगा, उस साइड से होगा जहां पे लेस नंबर ऑफ कार्बन अटैच होंगे. तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन मैच करने आए तो दिस सी इज द करेक्ट ऑप्शन. आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. इसे आपके पास इपोक्साइड का क्वेश्चन है, तो ये आपके पास मोर सब्स्टिट्यूटेड साइट, ये आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड साइट, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइट. तो यहाँ पे जो अटैक होगा लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से होगा, तो ये इधर अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा इधर CH3 CH O negative CH2 CH3. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं. ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा अपने पास This alcohol will form.
तो ये अल्कोहल अपने पास बन जाएगा, और ऑप्शन अगर हम ऐसा करें तो सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहाँ पे। सो यस, द एडिशन ऑफ क्रिगनार्ड रिएजेंट CH3MgBr2 एसिटाइल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड ओ सी एसिटाइल्डिहाइड H, तो दिस इज एसिटाइल्डिहाइड। एसिटाइल्डिहाइड के ऊपर जो यहाँ पे अटैक होने वाला है CH3MgBr का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल कौन है? दिस CH3 इज अवर न्यूक्लियोफाइल इन दिस केस। ठीक है, तो दिस CH3 इज अवर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे, और अगर हम यहाँ पे रिएक्शन कराएं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे? ये CH3MgBr, ये CH3 अटैक करेगा यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक एट दिस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, तो फर्स्ट स्टेप में बन जाएगा अपने पास CH3C, यहाँ पे ये CH3 अटैच हो जाएगा, यहाँ पे H है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? वो MgBr। नेक्स्ट स्टेप में जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे सेकंड स्टेप में, तो ये बन जाएगा अपने पास क्या? ये बन जाएगा अपने पास दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल। सो व्हाट इज द अटैकिंग रिएजेंट आपसे पूछ रहा है। इस केस में हमारा जो अटैकिंग रिएजेंट है या न्यूक्लियोफाइल है वो कौन है? दिस CH3, तो दिस इज अवर न्यूक्लियोफाइल इन दिस केस। चलिए एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते हैं। तो आपसे बोल रहा है एस्टर C4H8O2, जब उसको 2 मोल ऑफ CH3MgBr के साथ रिएक्ट किया जाएगा तो यहाँ पे एक अल्कोहल बना आपके पास C4H10O, दिस इज C4H10O। ठीक है, अल्कोहल भी, अल्कोहल वी रिएक्ट फास्टेस्ट विद लुकास रिएजेंट। ठीक है, लुकास रिएजेंट के साथ वो सबसे फास्ट रिएक्ट करता है। ठीक है, तो लुकास रिएजेंट की अगर अगर हम बात करें, लुकास रिएजेंट के साथ, लुकास रिएजेंट होता है हमारा कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, दिस इज अवर लुकास रिएजेंट। और अगर हम यहाँ पे बात करें रिएक्टिविटी की, ये अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए ये टेस्ट यूज किया जाता है, तो रेट की अगर हम बात करें या रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें, तो सबसे ज्यादा जो फास्ट रिएक्ट करता है अल्कोहल, दैट इज 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे देखें फर्स्ट केस में CH3 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 OH, ठीक है, तो ये अपने पास 3 डिग्री अल्कोहल है, और सेकंड वाले केस में ये अपना 2 डिग्री अल्कोहल है, ये भी अपने पास 2 डिग्री अल्कोहल है, तो ये दो तो हमारे आंसर नहीं हो सकते। लास्ट वाले केस में अगर हम देखें तो ये भी 3 डिग्री अल्कोहल है, तो हमारा आंसर या तो फर्स्ट होगा या फोर्थ होगा। अब देखते हैं फर्स्ट और फोर्थ में से कौन होगा। तो फोर्थ में अगर हम देखें तो यहाँ पे इस साइड आपका H ग्रुप अटैच हो चुका है, मेन H ग्रुप यहाँ पे अटैच है, तो 2 टाइम अगर यहाँ पे अटैक होता भी है तो ये जो अल्कोहल बनेगा यहाँ पे ये 2 डिग्री ही बन सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होने वाला है यहाँ पे वो फर्स्ट होगा। आइए इसको करके भी देख लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O O C2H5, और यहाँ पे अगर हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ ये रिएक्शन करें, 2 मोल अपने को यहाँ पे ग्रिगनार्ड रिएजेंट के यूज करने पड़ेंगे। फर्स्ट दिस इज एडिशन एंड सेकंड दिस इज एलिमिनेशन, तो यहां से एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी और हमारे पास क्या बन जाएगा इधर CH3 CO CH3। ठीक है, आइए फिर से एक और मोल अपने को यूज करना है यहाँ पे CH3 CO
CH3 MG BR हाइड्रोलिसिस अगर हम यहाँ पे कर दें तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, दिस पाई बॉन्ड विल मूव फर्दर, तो फाइनल यहाँ पे जो अपने पास एल्कोहल बनने वाला है दैट इज 3 डिग्री एल्कोहल। तो ये जो अपने पास बनने वाला है 3 डिग्री एल्कोहल, और 3 डिग्री एल्कोहल की रिएक्टिविटी लुकास रिएजेंट के साथ सबसे ज्यादा होगी। लेकिन अगर हम डी वाले ऑप्शन को यहाँ पे देखें तो डी वाले ऑप्शन में यहाँ पे इस साइड क्या एच दिया हुआ है, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में ये तो लीव कर जाएगा, एक सी एस थ्री अटैच हो जाएगा, फिर दूसरा सी एस थ्री यहाँ पे अटैच हो जाएगा, लेकिन थर्ड ग्रुप अपने पास क्या रहेगा एच, तो यहाँ पे जो एल्कोहल बनेगा दैट इज 2 डिग्री, तो डी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। जो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनने वाला दैट इज ए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस क्लास में हम लोगों ने ग्रिगनार्ड रिएजेंट से कुछ प्रॉब्लम देखी, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है, थैंक यू।